ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसका बीज शब्द ही जो है वह आसक्ति है, भोग है। यह भोग और आसक्ति जो है यदि इसे हम कहें कि बेलगाम हो जाए तो यह विनाश की तरफ ले जाता है और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में यह घटित हो रहा है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में जब नारद जी से यह पूछा गया कि पृथ्वी पर कोई ऐसा चरित्र है जो संसार के लिए वर्षों तक, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये चांद सूरज रहेंगे, जब तक ये नदियाँ रहेंगी, पहाड़ रहेंगे, उस समय तक मर्यादित रहेगा, कौन सा ऐसा चरित्र है, तो नारद जी ने कहा था कि एक ही एक चरित्र है, वो है राम का। एक पुरुषोत्तम लक्षण दिखाने के लिए ही शायद राम का जन्म हुआ था। राम जो है ये विश्व के एक ऐसे पर्सनली एक पर्सन के यूज़ ए मैन टू बी इमुलेटेड उनको उनको देख के हमें उनसे सीखना चाहिए कि राम जो है केवल भारत के इस इतिहास से ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास से जुड़े हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये विश्व भारती। जय 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 श्री राम।